हेलो स्टूडेंट्स लर्न ट्वेंटी फोर अकेडमी आपका स्वागत है देखिए यहाँ पर आपके सामने एक कोटेशन है एक दिन वर्षों का संघर्ष बहुत खूबसूरत तरीके से तुमसे टकराएगा तो इसी के साथ हमने ये पेपर स्टार्ट किया था पेपर नंबर वन ठीक है तो हम क्या देख रहे हैं एकलव्य मॉडल रेजिडेंशियल स्कूल के लिए जी एंड जी वाला सेक्शन देख रहे हैं जहाँ से आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं तो ये हमारे द्वारा क्या है टेस्ट वन कंडक्ट कराया गया था तो इसमें जो जी के वाले क्वेश्चन हैं वो देख लेते हैं जो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इसके अलावा जिन लोगों ने हमारी पी वन वाली सीरीज नहीं देखी है पी वन से लेके पी सेवन तक की सीरीज़ है तो इसको कंप्लीट कर लीजिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए ठीक है तो यहाँ से आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं इसके अलावा जो हमारी मैराथन क्लास चल रही है इसमें एम टेंथ तक हमने लेक्चर्स अपलोड कर दिए हैं तो ये और इसके साथ में टेस्ट सीरीज़ अगर ये सम्मिलित रूप से करके जाते हैं तो आपका काफ़ी ज़्यादा अच्छा स्कोर रह सकता है एग्जाम में तो आ जाइए अब बिना देरी कर स्टार्ट करते हैं अपना जो पहला टेस्ट है और देखिए टेस्ट से रिलेटेड अगर कोई भी अभी भी जानकारी चाहिए तो आप मुझे क्या कर सकते हैं व्हाट्सअप कर सकते हैं इस नंबर पर मैं नंबर लिख देता हूँ यहाँ पर एट डबल वन डबल एट वन सिक्स डबल वन जीरो पर ठीक है तो टेस्ट से रिलेटेड कोई जानकारी चाहिए हो तो आप मुझे व्हाट्सअप कर दीजिए इस नंबर पे तो आपको सारी जानकारी व्हाट्सअप कर दी जाएगी अब देखिए पहला क्वेश्चन कर लेते हैं यहाँ से आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है तो देखिए पहला क्वेश्चन है वॉट इज द प्रपोज नेम ऑफ द नेशनल टीचर एजुकेशन फ्रेमवर्क 2021 ठीक है तो जो राष्ट्रीय शिक्षा फ्रेमवर्क है 2021 का उसका प्रस्तावित नाम क्या है तो यहाँ से ये क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये आपके एग्जाम में पूछा भी जा सकता है तो इसको बहुत अच्छे से रट के जाना है याद करके जाना है इसका नाम है नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क फॉर टीचर्स एजुकेशन एन सी ठीक है तो ये थोड़ा सा ध्यान रख सकते हैं आप आराम से यहाँ से आप है ना इसको तो बस ऐसे याद कर लीजिए कि जो नेशनल टीचर्स एजुकेशन फ्रेमवर्क का नाम क्या रखा गया है नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क फॉर टीचर्स एजुकेशन और हिंदी में मैं आपके लिए पढ़ देता हूँ शिक्षक शिक्षा के लिए राष्ट्रीय पाठ पथ, पाठ्याचार्य की रूपरेखा एन सी एफ टी ई टू -E थाउजेंड ट्वेंटी वन ठीक है तो ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इसको इंपॉर्टेंट मार्क करने अजय क्वेश्चन नंबर दो दूसरा देखते हैं देखिए थोड़ा जल्दी जल्दी करेंगे क्योंकि अब क्या है रिवीजन का टाइम है बच्चों के पास टाइम कम है ठीक है तो मैं बहुत जल्दी जल्दी आपको ये चीज़ें करवाने वाला हूँ तो यहाँ देखिए व्हाट इज द सिंगल ग्रेटेस्ट टूल फॉर अचीविंग सोशल जस्टिस एंड इक्वलिटी अकॉर्डिंग टू न्यू एजुकेशन पॉलिसी ठीक है तो नई एजुकेशन पॉलिसी के तहत मैं इसको थोड़ा छोटा करूं क्या ज़्यादा छोटा हो गया आपको दिखाई भी तो देना चाहिए सही से इतना ठीक है ठीक है जैसे का क्वेश्चन भी तो आ पाए यहाँ पर आप देख पाए इसको अब बताइए व्हाट इज द सिंगल ग्रेटेस्ट टूल फॉर अचीविंग सोशल जस्टिस एंड इक्वलिटी तो न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 के अनुसार सामाजिक न्याय समानता प्राप्त करने के लिए सबसे बड़ा साधन क्या है ठीक है सामाजिक न्याय और समानता समानता क्या होती है इक्वलिटी होती है इक्वलिटी बोलते हैं ठीक है और सोशल जस्टिस के लिए आपके पास में इनमें से कौन सा सबसे बड़ा टूल है इंक्लूसिव एजुकेशन इक्विटेबल एजुकेशन वोकेशनल एजुकेशन या एजुकेशन ठीक है तो समावेशी शिक्षा की बात करते हैं अगर जैसे मान लीजिए जै किसी किसी भी बंदे को न्यू एजुकेशन पॉलिसी के तहत सामाजिक न्याय सोशल जस्टिस एंड इक््वेलिटी मिले ठीक है तो इसके लिए सबसे बड़ा साधन उसके पास क्या है समता मूलक शिक्षा व्यवसायिक शिक्षा या शिक्षा तो इसका आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा तो उसके पास में सबसे बड़ा हथियार क्या है शिक्षा है एजुकेशन है ठीक है तो ये थोड़ा सा ध्यान रखना आगे क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं अब देखिए प्रश्न नंबर 3 बाई डिफ़ॉल्ट ऑन विच पेज द हेडर एंड फुटर इज़ प्रिंटेड ठीक है तो देखो कंप्यूटर आपके आएगी कंप्यूटर के साथ में आपके आई सी टी के क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं तो इसको थोड़ा सा ध्यान रखें कि किस पेज पर बाई डिफ़ॉल्टडर एंड फुटर प्रिंट होता है अब जैसे मान लीजिए ये आपके सामने एक पेज है ठीक है तो इसमें हेडर क्या है और फुटर क्या है ये आपको पता होना चाहिए तो देखो आप यहाँ से यहाँ तक चीज़ें लिख रहे हैं तो यहाँ पर आपने क्या हुआ इसमें पेज में पहले से हेडिंग प्री डिफाइन कर दी है कि ये हेडिंग आपकी आनी चाहिए और यहाँ पे नीचे आप क्या है फुट नोट्स डाल सकते हैं हर पेज में ठीक है तो ये क्या होगा बाय डिफॉल्ट क्या होता है ऑन एवरी पेज तो आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका ठीक है इसको अच्छे से याद कर ले ये चीज़ें आपसे पूछी जा सकती है एग्ज़ाम में अब आ जाइए क्वेश्चन नंबर चार देखिए विच इज़ द करेक्ट सीक्वेंस इसमें करेक्ट सीक्वेंस पूछा गया है तो इसमें से कौन सा सही क्रम कौन सा है ठीक है तो सबसे पहले डेटा आएगा विजडम आएगा विजडम क्या होता है विजडम होता है बुद्धिमानी ठीक है समझदारी अपन बोलते हैं ना ये बहुत बुद्धिमान है समझदार है तो अपन उसको क्या बोल सकते हैं विजडम ठीक है इन्फॉर्मेशन या नॉलेज तो सबसे पहले क्या चीज़ होनी चाहिए इसको करेक्ट सीक्वेंस में लगाना है ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पूछा गया है एग्ज़ाम में है ना किसी एग्जाम में पूछा गया ठीक है एजुकेशन वाले किसी एग्जाम में पूछा गया था तो वहाँ से ये क्वेश्चन लिया है मैंने तो बताइए इसका आंसर कमेंट सेक्शन में लिखिए ठीक है ठेका? तो इसका आंसर मैं आपको बता देता हूँ देखो सबसे पहले आपके पास में क्या होना चाहिए डेटा अगर आपके पास में डेटा ही नहीं है इन्फॉर्मेशन ही नहीं है नॉलेज नहीं है सबसे लास्ट में क्या होगा विजडम होगा तो प्रश्न नंबर चार का क्या हो जाएगा सी ठीक है तो ये थोड़ा सा ध्यान रख सकते हैं आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा सबसे पहले आपके पास में एक डेटा होना चाहिए डेटा के साथ में आप उसको डेटा को क्या है इन्फॉर्मेशन में कन्वर्ट करेंगे इन्फॉर्मेशन नॉलेज में कन्वर्ट होती है और नॉलेज विजडम में कन्वर्ट होता है समझदारी में ये थोड़ा सा ध्यान रख सकते हैं यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया है अब आ जाइए क्वेश्चन नंबर पाँच देखिए न्यू एजुकेशन पॉलिसी ट्वेंटी ट्वेंटी ठीक है रिकमेंडेड दैट द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया विल कंटिन्यू ए फंड टू बिल्ड द नेशंस कैपेसिटी टू प्रोवाइड इक्विटेबल इक्विटी एजुकेशन फॉर ऑल गर्ल्स एज वेल एज ट्रांसजेंडर स्टूडेंट वॉट विल बी द नेम ऑफ द फंड ठीक है तो फंड का नाम पूछा है नई एजुकेशन पॉलिसी दो हज़ार बीस की सिफारिश है कि भारत सरकार की सभी लड़कियों के लिए साथ साथ ट्रांसजेंडर जो छात्राओं छात्रों के लिए समान गुणवत्ता वाली शिक्षा प्रदान करने के लिए देश की क्षमता का निर्माण करने के लिए एक फंड का गठन किया गया है तो उस फंड का इनमें से क्या नाम है और ये क्वेश्चन आपके ई एम आर एस एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इसको इंपॉर्टेंट मार्क करें ठीक है यहाँ पे इंपॉर्टेंट भी लिख देता हूँ मैं आपके लिए तो अब बताइए इसमें तो कौन सा फ़ंड बनाया गया है जेंडर इक्वेशन फंड जेंडर प्रमोशन फंड जेंडर इंक्लूजन फंड या जेंडर एम्प्लॉयमेंट फंड तो जल्दी से इसका आंसर कमेंट सेक्शन में लिखा है मैं इसका आंसर नाम बताता हूँ बताइए क्या हो जाएगा इसका आंसर आप बताओ ठीक है तो जेंडर इंक्लूजन फंड ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका आंसर लिंग समावेशी समावेश निधि ठीक थी। है तो ऑप्शन सी आंसर है राइट इसका तो इसको अच्छे से मार्क कर लें ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है ठीक है आज प्रश्न नंबर छह देखिए प्रश्न नंबर छह कहता है कि अधिनियम 2016 का पूर्ण रूप क्या है ठीक है तो आर पी डब्ल्यू डी की आपसे फुल फॉर्म पूछ रहा है आर पी डी एक्ट इनमें से कौन सा है ठीक है तो आपको इसका आंसर कमेंट सेक्शन में लिखना है जल्दी से इसका नाम पढ़े मैं डायरेक्टली आंसर बता देता हूँ आपको तो देखिए क्या हो जाएगा देखो यहाँ पर क्या है ये प्रोफेशनल्स नहीं होगा ठीक है डिस्टॉशन नहीं होगा डिफॉर्मिटीज़ नहीं होगा तो राइट ऑफ पर्सन विथ डिसबिलिटीज़ इसकी फुल फॉर्म हो जाएगी आर पी डब्ल्यू डी की एक्ट दो हज़ार सोलह तो आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसको एज इट इज ऐसे याद कर लें आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है ई हमारे पॉइंट ऑफिस है ये भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ठीक है आ जाओ नेक्स्ट चलते हैं अब बताइए देखो एक आई सी टी कंप्यूटर से क्वेश्चन है वाई इज़ फायरवेल मतलब फायर वेल यूज़ इन द कंप्यूटर फायर वॉल का हम कंप्यूटर में क्यों इस्तेमाल करते हैं ठीक है तो फायर वॉल का इस्तेमाल क्यों किया जाता है सिक्योरिटी परपज़ से ऑथेंटिकेशन से डाटा ट्रांसमिशन से या मॉनिटरिंग से तो इसका आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सिक्योरिटी के लिए हम फायर वॉल का इस्तेमाल करते हैं कंप्यूटर में क्या होता है या ये जो आपके डेटा है आपने जो भी उसमें ट्रांजेक्शन कर रहे हैं रिकॉर्ड कर रहे हैं ठीक है ठेके? आप आदान प्रदान कर रहे हैं जो भी इन्फॉर्मेशन का उसको सिक्योरिटी प्रोवाइड करने का कार्य करता है आज ये प्रश्न नंबर आठ देखते हैं तो विच ऑफ द फॉलोइंग मीडियम देखो ये जो कंप्यूटर क्वेश्चन है ये भी सभी इंपॉर्टेंट है आपके ये मैंने एग्जाम में चाहे आप आईसी का एग्जाम दे रहे हो चाहे कहीं देखो किसी कहीं कहीं ये आई लिखा हुआ है कहीं कहीं ये है, कंप्यूटर लिखा हुआ तो इस हिसाब से आप थोड़ा ध्यान रखें ठीक है विच ऑफ द फॉलोइंग मीडियम एक्सेस कंट्रोल टेक्निक इज यूज फॉर द बस ट्री अब देखो बस ट्री क्या होता है कंप्यूटर में ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ठीक है तो बस ट्री क्या होता है बस ट्री इजर मीडियम होता है ये कैसा मीडियम होता है इंफॉर्मेशन ट्रांसफर करने के लिए जो आप इंफॉर्मेशन भेजना चाहते हैं या इंफॉमेशन रिसीव करना चाहते हैं कंप्यूटर से तो कंप्यूटर के जो कंपोनेंट्स होते हैं डिवाइसेज होते हैं उससे आप क्या है कंप्यूटर में अपना डेटा आदान प्रदान करते हो तो ये थोड़ा सा ध्यान रख सकते हैं ठीक है तो बस ट्री उसको कहलाता है अब देखो टोकन बस हो जाएगा टोकन रिंग हो जाएगा मैक हो जाएगा या सी डी हो जाएगा ठीक है तो सीडीएमए डिवाइस कौन से होते हैं ये बताइए जल्दी से ठीक है देखो अपने जी एस एम जो नॉर्मल फोन इस्तेमाल करते हैं जिसे हम प्रीपेड बोलते हैं वो तो जी एस एम हो गए और सी डी में हमारे पोस्ट पेड वाले हम इस्तेमाल करते थे ठीक है तो इसका आंसर देखो ये दोनों तो नहीं है मैक और ये ठीक है मैक तो कंप्यूटर है एप्पल अप, का जो लैपटॉप आता है उसको मैक बोला जाता है मैकबुक ठीक है तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आ, टोकन रिंग होगा या टोकन बस होगा तो इसका आंसर हो जाएगा टोकन बस बोला जाता है टोकन बस क्या है जैसे मान लीजिए देखो यहाँ पर मैं एक डायग्राम बनाता हूँ ये मैंने एक कोएक्सेल केबल बनाई ठीक है कोएक्सेल केबल जिससे क्या होता है हम डेटा को ट्रांसमिट करते हैं और इस पर हमने काफ़ी सारे कंप्यूटर्स अटैच कर दिए इधर उधर ठीक है ये कंप्यूटर ये रहा एक कंप्यूटर ये है एक कंप्यूटर से ये है ठीक है हमने काफी कंप्यूटर अटैच किया तो मैं कमी बना रहा हूँ यहाँ पर तो पर आपको समझ में भी था था तो आना चाहिए तो अब क्या है ये सारे कंप्यूटर क्या है एक रिंग के अंदर है ठीक है मतलब एक रिंग सी बनाई है तो ये क्या हो गई टोकन रिंग कहलाती है ये जो रिंग है ठीक है और ये डेटा जो ट्रांसफर हो रहा है डेटा तो यहां से जा रहा है इस, इस को एक्सएल केबल के माध्यम से ठीक है तो इस को एक्सएल केबल को क्या बोला जाता है टूक बस बोला जाता है ये थोड़ा सा ध्यान रख सकते हैं तो आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा यहां आगे चलते हैं अब देखिए प्रश्न नंबर नाइन करिए विच ऑफ द फॉलोइंग इज डिसएडवांटेज ऑफ ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर ठीक है तो इनमें से आपको ये बताना है कौन सा ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर का डिसएडवांटेज है यहां पर ठीक है माइट हैव एज नॉट टेस्टेड क्रिटिकली इट इज़ ए कस्टमाइजेबल हाई क्वालिटी सॉफ्टवेयर इट इज़ ए फ्री ठीक है तो निम्न मैं हिंदी का थोड़ा सा ऊपर कर देता हूँ आप बताइए निम्नलिखित में से कौन सा ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर का नुकसान है नुकसान पूछा गया है इसमें त्रुटि हो सकती है क्योंकि इसे गंभीरता से जांचा नहीं गया है ये कस्टमाइज़ किया जा सकता है उच्च गुणवत्ता का सॉफ्टवेयर है और यह फ्री सॉफ्टवेयर है देखो जो ये फ्री सॉफ्टवेयर है ना ये तो क्या होगा इसकी क्वालिटी हो जाएगी क्योंकि तो ये ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर आपको फ्री में अवेलेबल हो रहा है जिनके पैसे देने पड़ते हैं यह ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर का मतलब ही यही है कि वो सभी लोगों के लिए ओपन है इसका इस्तेमाल कोई भी कर सकता है ठीक है अपनी ज़रूरत के हिसाब से इसका, इसका इस्तेमाल कर लेता है तो ये फ्री है तो ये तो क्या होगा इसकी नुकसान ना होगा ये तो क्या होगा इसका फायदा होगा यह उच्च गुणवत्ता का सॉफ्टवेयर होता है हाँ बिल्कुल ये उच्च गुणवत्ता का सॉफ्टवेयर होता है इसे कस्टमाइज़ किया जा सकता है हाँ बिल्कुल इसे कस्टमाइज़ भी किया जा सकता है तो इसका नुकसान क्या हो जाएगा ऑप्शन

फॉन्ट साइज या सुपर स्क्रिप्ट ठीक है अब देखो सब स्क्रिप्ट क्या होता है जैसे मान लीजिए एम लिखा ये एम टू तो ये हमने एम के नीचे टू लगाया इसे बोलेंगे सब स्क्रिप्ट ठीक है अब जैसे मान लीजिए एल एम लिखा अपन ये स्क्वायर लिख रहे हैं मतलब कोई फॉर्मूला लिख रहे हैं और इसके ऊपर अपन ने ऊपर लगाया ये टू ठीक है तो जब ऊपर लगाएंगे तो ये सबस्क्रिप्ट कहलाएगा सुपरस्क्रिप्ट कह लाएगा ठीक है और जब हम इसे नीचे लगाते हैं तो ये कौन सा कला है सबस्क्रिप्ट जब कंट्रोल प्लस इक्वल टू की दबाएंगे तो इसका आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी ठीक है ये थोड़ा सा ध्यान रखें प्रश्न नंबर दस का आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सबस्क्रिप्ट हो जाएगा ठीक है तो ये याद रखना है इसको याद रख लेना कंट्रोल प्लस कंट्रोल के साथ में प्लस की और इक्वल टू की तीनों के साथ दबाएंगे तो ये आपका सब स्क्रिप्ट का काम करता है आप कोई फॉर्मूला लिख रहे हैं तब आप इसका इस्तेमाल लेते हैं ठीक है प्रश्न नंबर ग्यारह आ जाइए ग्यारह करिए अकॉर्डिंग टू न्यू एजुकेशन पॉलिसी ट्वेंटी ठीक है तो सर्व शिक्षा अभियान विल बी सब्स्यूम्ड एज ए न्यू प्रोग्राम वॉट इज़ द नेम ऑफ द प्रोग्राम ठीक है तो सब सिर्फ सब जो नई एजुकेशन पॉलिसी 2020 के अनुसार सर्व शिक्षा अभियान को नए कार्यक्रम के रूप में शामिल किया जाएगा कार्यक्रम का नाम क्या है जल्दी से इसका आंसर कमेंट सेक्शन में लिख के ठीक है मैं इसका आंसर डायरेक्ट बताता हूँ इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी समग्र शिक्षा अभियान ठीक है ऑप्शन नंबर बी अच्छे से याद कर लीजिए ठीक है अजय प्रश्न नंबर बारह करिए वे यू इंसर्ट एन एक्सेल फाइल इन टू एन वर्ड डॉक्यूमेंट द डेटा आर ठीक है जब आप एक्सेल फाइल को वर्ड डॉक्यूमेंट में इंसर्ट करते हैं तो डेटा होता है क्या क्या बोले है? उसे? Hyperlink बोलेंगे उसे हाइपर लिंक बोलेंगे एम्बेडेड बोलेंगे प्लेसड इन ए वर्ड टेबल बोलेंगे या लिंक्ड बोलेंगे ठीक है तो आंसर ऑप्शन का आंसर क्या हो जाएगा आपका तो ऑप्शन डी हो जाएगा ठीक है क्योंकि आप क्या कर रहे हैं एक्सेल फाइल से वर्ड डॉक्यूमेंट को लिंक करने का काम कर रहे हैं ठीक है तो या तो आप डेटा यहाँ से उधर ले जा सकते हैं या वहाँ से इधर ला सकते हैं ठीक है तो आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसको अच्छे से याद कर ले यहाँ से आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है अब देखिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी ठीक है तो रेडियो वेव्स आर एग्जांपल ऑफ डैश कम्युनिकेशन ठीक है तो इसके लिए क्या होता है आपको वेव्स पता होनी चाहिए तो हमने क्या है जब वेव्स पढ़ी थी है ना कंप्यूटर वाले लेक्चर में ये वेव भी पढ़ा दी थी मैंने हालांकि ये साइंस का टॉपिक होता है पर यहाँ पर भी आपको भी पता होना चाहिए तो थोड़ा सा आपको याद करा देखो इसको आप ट्रिक से याद कर सकते हैं छोटी गर्ल एक्स यू वी ठीक है एक्स यू वी महिंद्रा की कार आती है एक्स यू वी सेवन हंड्रेड कभी आपने देखी होगी ठीक है उस पर लिखा होता है एक्स यू वी सेवन हंड्रेड तो छोटी गर्ल है वो एक्स यू वी बैठ के बोली आई एम रेडी ठीक है तो आप इसको कैसे याद रखेंगे ये हो गई कॉस्मिक रेज ये गामा रेज ये एक्स रेज ये यू वी रेस ये विजिबल लाइट्स लाइट्स विजिबल में लाइटिंग वेबग्योर हो जाएंगी ठीक है वायलेट इंडिगो येलो ग्रीन ऑरेंज ये वाली हो जाएंगी ठीक है ये हो जाएगी इन्फ्रा रेड जो हमारे रिमोट कंट्रोल्स में इस्तेमाल करते हैं ठीक है थीका? ये माइक्रोवेव्स हो जाएंगी जो माइक्रोवेव्स ओवन होते हैं उसके अंदर इस्तेमाल की जाती है और ये हो गई रेडियो वेव्स ठीक है तो ये मैंने इस तरीके से क्यों याद कराई क्योंकि इनकी वेव लेंथ है ना उसके अकॉर्डिंग ही इनको अरेंज किया गया है जैसे जैसे वेबलेंथ बढ़ती जा रही है तो ये इनके नाम भी उसी प्रकार से लिखे हुए हैं तो ये थोड़ा सा ध्यान रख सकते हैं तो सबसे ज्यादा वेवलेंथ किसकी होती है रेडियो वेव्स की होती है ठीक है वेवलेंथ क्या होता है जो इनके दो ट्रफ्स होते हैं है ना ये दो ट्रफ्स हो गए ठीक है इनके बीच का जो डिस्टेंस होता है चाहे यहाँ का ले लीजिए यहाँ का ले लीजिए बराबर ही होगा ठीक है तो जो सबसे ज्यादा डिस्टेंस होता है किसका होता है रेडियो वेव्स का होता है इसीलिए हम इसको कम्युनिकेशन में इस्तेमाल करते हैं ठीक है तो ये चीज़ समझोगे तभी आप इसका एप्लीकेशन जानोगे तो रेडियो वेव्स का ही इस्तेमाल क्यों कर रहे हैं क्योंकि इनकी वेवलेंथ ज्यादा होती है ठीक है हम कॉस्मिक रेज का इस्तेमाल क्यों नहीं कर रहे क्योंकि इनकी वेवलेंथ कम होती है ठीक है तो ये रेडियो वेव्स आर एग्जाम्पल ऑफ द अब बताइए केबल बेस्ड कनेक्शन है वायर्ड कनेक्शन है वायरलेस कनेक्शन है या गाइडेड है क्या हमने इनको गाइड किया हुआ है जैसे मान लीजिए एक टावर लगा टावर लगाया ठीक है और यहाँ पर हमने इस पर से रेडियो रेडियो तरंगे प्रसारित कर रहे हैं एक घर मान लीजिए यहाँ है और एक घर यहाँ है और एक घर यहाँ है ठीक है एक घर यहाँ पर है तो ये बताओ ये इस पर जब सिग्नल जाएंगे तो ये सभी में एक प्रकार समान रूप से अपने सिग्नल चारों तरफ भेज देगा या फिर इस घर में भेजेगा पहले ए घर में भेजेगा या बी घर में भेजेगा बताओ अगर ये ए या बी घर में भेजता तो हम इसे बोलते हैं ये गाइडेड है ठीक है मतलब हमने इसको गाइड कर दिया कि भाई इसकी डायरेक्शन यही रहेगी तो हमने कोई डायरेक्ट इसको गाइड नहीं किया ठीक है तो ये गाइडेड नहीं है वायर्ड नहीं है क्योंकि तार की जरूरत ही नहीं है एक घर से दूसरे घर में कोई तार नहीं है टावर लगाया बिना टावर के मतलब टावर से आपके घर तक वायरलेस हो रहा है कम्युनिकेशन तो आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा बेतार वाला ये हो जाएगा हमने जब इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी पढ़ाया था तो उसके अंदर ये बहुत अच्छे से डिटेल में चीज़ें समझाई गई हैं ठीक है तो वहाँ से आप इसको देख सकते हैं तो इसका आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी ठीक है ये थोड़ा सा ध्यान रखें अब आ जाइए प्रश्न नंबर चौदह कीपिंग लाइब्रेरी इन डिजिटल फॉर्म ठीक है तो डिजिटल बुक रिकॉर्ड्स डिजिटल लाइब्रेरी ऑटो बुक कीपिंग या ऑफलाइन लाइब्रेरी पुस्तकालय को डिजिटल रूप में रखना क्या कहलाता है बताओ जल्दी से सॉरी इसका आंसर आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं तो जल्दी से इसका आंसर बताइए कीपिंग लाइब्रेरी इन डिजिटल फॉर्म डिजिटल बुक रिकॉर्ड्स डिजिटल लाइब्रेरी ऑप्शन क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसको डिजिटल पुस्तकालय ही बोला जाएगा ठीक है आ जाओ प्रश्न नंबर पंद्रह अब बताइए शिक्षा शास्त्र एक ग्रीक शब्द है जिसका शाब्दिक अर्थ है बताइए क्या है टू अंडरस्टैंड द चाइल्ड टू गाइड द चाइल्ड टू एजुकेट द चाइल्ड टू लीड द चाइल्ड ठीक है तो बच्चे को समझने के लिए बच्चे का मार्गदर्शन करने के लिए बच्चे को शिक्षित करने के लिए बच्चे का नेतृत्व करने के लिए ठीक है तो जल्दी से इसका आंसर कमेंट सेक्शन में लिखें देखो मैं इसका आंसर बताता हूँ इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी ठीक है पंद्रह का क्या हो जाएगा टू लीड द चाइल्ड काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके ई एम एग्जाम से भी रिलेट करता है ये इसको याद रखें ठीक है आ ये प्रश्न नंबर सोलह करते हैं एन एस्पेक्ट ऑफ प्रेगमेटिज इज एक्स एक्सपीरियंसल लर्निंग दैट सीज एजुकेशन शुड कम थ्रू ठीक है व्यवहारिकता का एक पहलू अनुभवात्मक शिक्षा है जो कहता है कि शिक्षा आनी चाहिए तो शिक्षा कैसे आनी चाहिए एक्सपीरियंस से आनी चाहिए प्रैक्टिस से आनी चाहिए नॉलेज से आनी चाहिए या ऑब्जर्वेशन से आनी चाहिए तो ये भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जिनका शिक्षा से रिलेटेड है ठीक है टीचिंग से रिलेटेड एग्जाम है पीजी टी टी जी टी वाले उनके लिए तो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है क्वेश्चन तो जल्दी से इसका आंसर कमेंट सेक्शन में लिख के बताएँ अनुभव अभ्यास ज्ञान या अवलोकन ठीक है तो सोलह का आंसर क्या हो जाएगा जल्दी से बताइए तो इसका क्या हो जाएगा एक्सपीरियंस ठीक है तो व्यवहारिकता वाला ज्ञान कैसे मिलना चाहिए एक्सपीरियंस से आना चाहिए तो आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसको याद कर ले प्रश्न नंबर सत्रह देखते हैं द यूज़ ऑफ टेक्नोलॉजी टू एनहेंस लर्निंग प्रोसेस इज कॉल्ड डैश इन एजुकेशन ठीक है तो शिक्षा में सीखने की प्रक्रिया को बढ़ाने के लिए प्रौद्योगिकी के उपयोग को डैश कहा जाता है तो क्या कहा जाएगा आई टी आई सी टी इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी या कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी ठीक है तो इसको क्या कहा जाता है आई सी टी इन्फॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी कहा जाता है ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा ठीक है शिक्षा में सीखने की प्रक्रिया को बढ़ाने के लिए प्रौद्योगिकी के उपयोग को क्या कहा जाता है इन्फॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी कहा जाता है इसको बहुत अच्छा अच्छे से याद रखें इस तरह का क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है अब प्रश्न नंबर अठारह विच ऑफ फंक्शन एस इज आर प्रोवाइडेड बाय ऑपरेटिंग सिस्टम ठीक है प्रचालन तंत्र द्वारा निम्नलिखित में से कौन सा से कार्य किया जाता है या किए जाते हैं तो बताओ प्रक्रम प्रबंध मतलब प्रोसेस मैनेजमेंट सिक्योरिटी मैनेजमेंट मतलब सुरक्षा प्रबंध फाइल मैनेजमेंट मतलब फाइल प्रबंध या ऑल ऑफ तो इसका आंसर क्या हो जाएगा ऑल ऑफ दिस ठीक है तो ईजी सा ये तो ठीक है आ जाओ क्वेश्चन नंबर उन्नीस सबसे तेज मेमोरी है ठीक है तो बताइए इनमें सबसे ज़्यादा तेज मेमोरी कौन सी है ये हमने जब कंप्यूटर के जो मेमोरी वाला सेक्शन पढ़ाया है ठीक है तो वहाँ पे इसको बहुत अच्छे से समझाया था तो मैं यहाँ पे डायरेक्ट बताता हूँ सबसे ज़्यादा तेज़ मेमोरी कौन सी होती है रजिस्टर मेमोरी होती है तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा आपका आंसर ठीक है आ जाओ प्रश्न नंबर बीस जब एक व्यवसायी या अन्य व्यवसायियों से इंटरनेट पर अपने उत्पाद बेचता है तो इसे किस प्रकार का व्यापार कहते हैं ठीक है तो इसे कौन से प्रकार का व्यापार कहा जाएगा इसे बिजनेस टू बिजनेस व्यापार कहा जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर ठीक है प्रश्न नंबर इक्कीस इन जनरल द मोस्ट रिसेंट रेस्पॉन्स इज मोस्ट लाइकली टू फॉग कॉम्प्रोमाइज्ड रीअकर या नॉट अकर अगेन ठीक है तो ये क्या होगा पैडोलॉजी से क्वेश्चन है तो जल्दी से बताइए सामान्य तौर पर सबसे हालिया प्रतिक्रिया की सबसे अधिकांश संभावना होगी कि पुनः घटित होना ठीक है तो आंसर क्या होगा सी हो जाएगा इसका राइट आंसर आ जाओ प्रश्न नंबर बाईस करो विच थ्री प्रिंसिपल कैपेसिटीज ठीक है वर्ल्ड शिक्षा प्रणाली ठीक है एजुकेशन सिस्टम इज एम टू कल्टिवेट इन चिल्ड्रन तो ये बताइए वर्ल्ड ड्रॉफ शिक्षा प्रणाली का उद्देश्य बच्चों में कौन सी तीन सिद्धांत क्षमताएँ विकसित करना है थिंकिंग प्लानिंग एक्टिंग थिंकिंग फीलिंग विलिंग ऑब्जर्विंग थिंकिंग एनालाइजिंग ऑब्जर्विंग लिसनिंग एंड कैलकुलेटिंग जल्दी से इसका आंसर बताइए ये वर्ल्ड ड्रॉफ के अकॉर्डिंग आपको बताना है ठीक है आपके अकॉर्डिंग नहीं बताना है वर्ल्ड ने कौन सा दिया वो बताना है ठीक है तो रफ़ ने दिए थिंकिंग फीलिंग एंड विलिंग ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका राइट right आंसर आ जाओ प्रश्न नंबर तेईस करते हैं अब देखिए ये जो क्वेश्चन है ना तेईस वाला क्वेश्चन है ये आपका रीजनिंग का क्वेश्चन है तो इसका सॉल्यूशन आप करें खुद से प्रयास करें नहीं गलत होगा तो कमेंट सेक्शन में मैं आपको बता दूंगा ठीक है तो इसको सॉल्व करने का खुद से ट्राई करें बहुत ईजी क्वेश्चन है प्रश्न नंबर चौबीस कंप्यूटर की कार्य संपादन प्रणाली का क्रमिक विकसित रूप है ठीक है तो जल्दी से इसका आंसर कमेंट सेक्शन में लिख के बताएँ कि भैया कौन सा क्रमिक रूप है इनपुट प्रोसेस स्टोरेज कंट्रोल या आउटपुट इनपुट प्रोसेस स्टोरेज आउटपुट या कंट्रोल आउटपुट इनपुट देखो आउटपुट तो सबसे लास्ट में होगा ठीक है लास्ट में होता है बताओ आउटपुट इनपुट कंट्रोल स्टोरेज या प्रोसेस जल्दी से इसका आंसर कमेंट सेक्शन में लिख के बताएँ कि भाई क्या होगा इसका आंसर ठीक है तो देखो सबसे पहले आप कंप्यूटर में इनपुट करेंगे प्रोसेस होगा वो आउटपुट होगा उसका फिर आप क्या करेंगे स्टोरेज कर सकते हैं और उसको कंट्रोल किया जा सकता है तो ये थोड़ा सा ध्यान रख सकते हैं ठीक है तो राइट right आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका आउटपुट सबसे लास्ट नहीं है इनपुट प्रोसेस के बाद में जब कोई चीज़ प्रोसेस होती है तो फिर वो आउटपुट होती है ये थोड़ा सा ध्यान रखें आपने आउटपुट करा अभी ये जो चीज़ है आप इसको तो या तो सेव कर सकते हैं कंट्रोल कर सकते हैं इसको डिलीट कर सकते हैं जो भी करना चाहें वो लास्ट में कर लें उसके बाद में ठीक है अब आ जाओ प्रश्न नंबर पच्चीस वी आई एस मतलब वी डॉट एस डॉट एस आई तकनीक का पूर्ण रूप है तो इसकी फुल फॉर्म पूछी गई है वी आई एस आई की वेरी वी एल होगा यार ये ठीक है वी एल आई है तभी ये डॉट बन रहा है इसमें ऐसे ठीक है इसको एल कर लीजिए एल इसको मिला लीजिए इससे ठीक है तो वेरी लो स्केल इंटीग्रेशन वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन वेरी लार्ज स्मोक इंटीग्रेशन या वर्बल स्केल इंटीग्रेशन वर्बल नहीं है स्मोक नहीं है ठीक है और वेरी लो नहीं है वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन की बात करता है तो आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा पच्चीस का ठीक है तो आ जाओ आगे देखते हैं अब देखिए ये क्या है नंबर सीरीज से क्वेश्चन है इसका आंसर आप ये होमवर्क के लिए हो गया आपका आंसर खुद से ट्राई करें यार मैथ्स के क्वेश्चन अगर आपको नहीं आते हैं तो फिर मैं आपको बता दूँगा आप बिल्कुल सी सीरीज़ है पहले एक है दो है तीन है दस है तो इनमें मल्टीप्लाई डिवाइड क्या हो रहा होगा आप देखो ऑप्शन देखो पहले तो ये दस के बाद में सीधे ही आ रहा है तो भाई इसमें स्क्वायर लग रहा है क्यूब लग रहा है क्या लग रहा है तो आप खुद से कोशिश तो करें एक बार जब आप ये ऑप्शन देख लेंगे तो आप इसमें मल्टीप्लाई माइनस करने बैठेंगे क्या यार मुझे बताओ एक बार आप खुद ठीक है इसमें आप क्यूब करेंगे स्क्वायर करेंगे क्या करेंगे डिवाइड करेंगे क्या करेंगे खुद सोचो इसके ऑप्शन देखने के बाद ठीक है अरेंज द फॉलोइंग वर्ड इन मीनिंगफुल सीक्वेंस ठीक है तो मीनिंगफुल फुल में ये ये वर्ड्स अरेंज करने हैं और जल्दी से इसको अरेंज आप खुद करके देखें ठीक है देखो रीजनिंग क्वेश्चन आपकी स्किल्स पर डिपेंड करता है तो आप सबसे पहले फ्रॉग आएगा ग्रास मतलब घास आएगी ग्रास ऊपर आएगा ईगल आएगा स्नेक आएगा बताओ कौन किसको इसमें से खाता है उसी हिसाब से आपको इसको अरेंज करना है ठीक है जो जिसको खाता है उस हिसाब से इसका अरेंजमेंट करें फिर मैं आपको बताता हूँ जल्दी से इसका बताइए अरेंज करिए तो देखिए इसका आंसर क्या हो जाएगा सबसे पहले घास ठीक है सबसे पहले घास ही है जमीन पे घास है फिर घास को कौन खाता है ग्रास ऊपर खाता है इसका इसी का नाम है तो पहले नंबर पे ये हो जाएगा दूसरे नंबर पे ग्रास ऊपर हो, हो जाएगा अब ग्रास ऊपर को मेंढक खाएगा कि ईगल खाएगा कि स्नैक खाएगा जल्दी बताओ फ्रॉग क्या ईगल को खा सकता है स्नैक को खा सकता है नहीं खा सकता तो फ्रॉग ही खाएगा इसको ठीक है तो तीसरे नंबर पर हम क्या रख देंगे एक फ्रॉग को रख देंगे अब अब आप बताइए ये हवा में उड़ रहा है क्या स्नैक इस हवा में उड़ते हुए ईगल को खा सकता है या हवा में यह आदमी उड़ रहा होता मान लो तो क्या सांप इसको खा जाता ठीक है हवा में कोई भी चीज़ उड़ रही होती तो उसको खा जाता नहीं खा पाता ना तो सांप को कौन खाएगा ईगल खाएगा तो फोर्थ क्या होगा लास्ट इस चीज पर आएगा उससे पहले फाइव स्नेक आ जाएगा ठीक है हालाँकि ये स्नेक भी मतलब ईगल को स्नेक खा सकता है परंतु वैसे ये जो फूड चेन है इसमें कौन किसको खाता है उस हिसाब से आपको लगाना है तो इसका आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए ही हुआ ठीक है क्योंकि हवा में उड़ते हुए जानवर को स्नेक नहीं खा सकता जमीन पे रेंगते हुए कोई खा पाएगा ठीक है आ जाओ प्रश्न नंबर अट्ठाइस तो देखो ये भी बिल्कुल इजी सा क्वेश्चन है रीजनिंग का क्वेश्चन है इसको खुद से करने की कोशिश करें होमवर्क है अब यार रीजनिंग के क्वेश्चन क्या कराऊंगा मैं आप बताओ इसमें क्या होता है देखो सिंपल सी बात है कि कोई इस क्वेश्चन को छोड़ जाता तो मैं बताता बताऊँ देखो इसमें गिन लो ये एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ नौ दस ग्यारह बारह तेरह चौदह पंद्रह अब ये पंद्रह हैं ठीक है तो यहाँ पर क्या होगा ये पेयर्स बनेंगे या तो पंद्रह है पंद्रह डिवाइडेड बाई पाँच करो ठीक है तीन ठीक है तो ये क्या होगा पाँच पाँच के वर्ड बनने चाहिए ऐसे तीन बनेंगे इसमें ठीक है या फिर इसमें तीन तीन के पेयर बनेंगे तीन तीन फिर तीन फिर तीन इस तरीके से तो वो पेयर आपको बनाने इनमें से देख के बना दीजिए ठीक है जब इनको गिन लीजिए और डिवाइड कर लीजिए उससे आगे समझ में बहुत ईजी है ठीक है कर लोगे अब आप प्रश्न नंबर ट्वेंटी नाइन अभी प्रश्न नंबर ट्वेंटी नाइन भी क्या है ये रीजनिंग का ही क्वेश्चन है इजी सा क्वेश्चन है ठीक है होमवर्क के लिए है ये भी आपका करने की कोशिश खुद से कोशिश करें आप ऐसे सोचिए कल आपके टेस्ट में क्वेश्चन आ रहा है अभी आप मैं करके बता दूंगा उससे क्या हो जाएगा ठीक है ये तो अलग तरीके से इसमें माँ बहन मतलब जो इनकी मम्मी है पापा हैं उनको अलग तरीके से बिठा देंगे ठीक है जैसे लुकिंग एट अ पोर्ट्रेट मतलब कोई तस्वीर लग रही है उसकी तरफ देखते हुए उसने इशारा किया है तो इस तरीके के क्वेश्चन आपको खुद से आने चाहिए ठीक है एक बार खुद से करने की कोशिश करें बिल्कुल ईजी होता है जैसे मान लीजिए एक आदमी के चित्र को दिखा देखते हुए मोहन ने कहा तो सबसे पहले क्या लिखेंगे मोहन और इधर दीवार पर क्या बना देंगे एक चित्र बना देंगे इस तरीके से एग्जाम में भी यही करना या मोहन लिख देना या चित्र बना देना कि उसकी माँ जो चित्र है चित्र में जो है इसकी माँ यहाँ पे मम्मी लिखे मम्मी को माइनस में रिप्रेजेंट करिए कि उसकी माँ मेरे पिता के बेटे की पत्नी है ठीक है अब इनके हैं फादर ठीक है इनका है बेटा सन और ये कौन है मोहन ठीक है तो मेरे पिता के बेटे की पत्नी तो ये दोनों क्या होगा हस्बैंड वाइफ हो गए ये प्लस कर लीजिए ये माइनस कर लीजिए ठीक है इस तरीके से और मेरा कोई भाई और बहन नहीं है तो ये क्या है जो सन है ये ही मोहन है ये अपनी खुद की बात कर रहा है तो मोहन किसकी तस्वीर दिखा रहा है तो मोहन किसकी तस्वीर दिखा रहा है बताओ कि उसकी माँ तो ये इसका बेटा या बेटी होगी ठीक है क्या होगा बताओ इजी सा क्वेश्चन है आ गया समझ में ये सन है सन की पत्नी है पत्नी ये हो गई रिश्ता किससे पूछा है ठीक है उसकी बहन उसका बेटा उसका भाई उसका भतीजा तो उसका बेटा कहलाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका आंसर ठीक है तो इस तरह के क्वेश्चन आप आराम से निकाल ले जाएंगे बस आपको क्या करना है इन चीज़ों का थोड़ा सा ध्यान रखना है जो ट्रिक आपको बताइए इस तरीके से आप अरेंज करते जाएँ और आंसर तक आप पहुँच जाएंगे ठीक है आ जाओ अब यहाँ पर अब देखिए यहाँ पर भी सेम सा ही क्वेश्चन है अब इस क्वेश्चन को तो आप खुद से ट्राई करें ठीक है ये होमवर्क का क्वेश्चन है इसको खुद से ट्राई करना है इस क्वेश्चन को देख लें ठीक है बिल्कुल इजी है उसी तरीके से निकलेगा जैसे अभी निकाला यार इशारा करा है उसने कि एक महिला की ओर इशारा करते हुए एक पुरुष ने कहा है कि उसके पिता मेरे पिता के इकलौते पुत्र हैं पुत्र का महिला से क्या संबंध है जल्दी से इसका आंसर कमेंट सेक्शन में लिख के बताएँ ठीक है और देखिए यहाँ पर क्या है जैसे मान लीजिए कि, कि किसी को ये नहीं निकल रही हो सीरीज तो उसके लिए भी बता देता हूँ देखो यहाँ पर वन है वन का स्क्वायर करें प्लस वन करें तो इक्वल टू टू आ जाएगा या दो आ गया ठीक है फिर अब यहाँ पे देखो दो आ गया दो का स्क्वायर करें माइनस का एक कर लें तो ये तीन आ जाएगा क्योंकि दो का स्क्वायर चार होता है माइनस एक करेंगे तीन आ जाएगा तीन में क्या करेंगे आप तीन का करेंगे आप स्क्वायर प्लस का करेंगे एक तीन का स्क्वायर नौ प्लस एक इजिकल टू दस आ जाएगा अब दस देखो ये प्लस माइनस प्लस माइनस चल रहा है दस का क्या करेंगे दस का स्क्वायर करेंगे माइनस का एक करेंगे इक्वल टू क्या आंसर आएगा जल्दी से कमेंट सेक्शन में लिख के कि स्क्वायर करने पे ये हो जाएगा सौ सौ माइनस का एक इक्वल टू नाइन्टी नाइन तो आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा आंसर आपका ठीक है तो बहुत ईजी है इस तरह के क्वेश्चन आप आंसर देखेंगे तो आराम से इनको निकाल ले जाएंगे ठीक है तो फिर स्टूडेंट मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में तब तक के लिए बाय और आपके कोई डाउट्स हो तो आप फिर पूछ सकते हैं मुझसे और अगर टेस्ट सीरीज़ में एनरोल करना चाहते हैं देखो इसमें क्या है इसी प्रकार के क्वेश्चन बनाए गए इनमें ये टोटल दस टेस्ट है और बहुत ज़्यादा रिसर्च करके बनाए गए जो आपके एग्जाम में आपको बहुत ज़्यादा स्कोर करने में आ, हेल्पफुल करेंगे और जो ये लास्ट के टेस्ट हैं ये तो इसमें तो 60 60 क्वेश्चंस पूछे गए जिसमें क्या होगा बहुत ज़्यादा रिसर्च करके इसमें जीके के क्वेश्चन डाले गए हैं जहाँ से आपके एग्जाम में आने की बहुत हाई प्रोबेबिलिटी है तो ये आप टेस्ट सीरीज़ एनरोल कर सकते हैं ठीक है और टेस्ट से रिलेटेड कोई अधिक जानकारी चाहिए तो आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं डबल एट पर ठीक है तो फिर स्टूडेंट मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में तब तक के लिए बाय आप सब लोग खुश रहें अपना ध्यान रखें ठीक है